2023 विश्व कप में सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच आज 2 बजे से खेला जाना है और इस मैच में मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे होंगे। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग सकता है, क्योंकि शुभमन गिल इस मैच को खेलेंगे या नहीं इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। और एक सवाल ये भी है कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में किसको मौका मिलना चाहिए, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर और आर अश्विन में किस प्लेयर को मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ खेले गए पिछले 2 मैच में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो क्या मोहम्मद सिराज की जगह हमको मोहम्मद शमी खेलते हुए दिख सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो आज के इस अद्भुत चर्चा के वीडियो में जानेंगे कि शुभमन गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ भारत और पाकिस्तान के बड़े मैच में खेलने उतर सकती है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपको बता दें कि भारत ने पहले मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। इसके बाद उसने दूसरे मैच में अफगानिस्तान को भी बुरी तरीके से हरा दिया है। रोहित शर्मा के शानदार शतक से टीम इंडिया को एक बड़ी जीत मिली है और अब भारतीय टीम की नजर हैट्रिक लगाने पर होंगी। वहीं अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल खेलेंगे या फिर नहीं, तो आपको ये बता दें कि विश्व कप के शुरुआती 2 मैच में शुभमन गिल नहीं खेल पाए हैं। शुभमन गिल डेंगू के कारण चेन्नई के अस्पताल में भर्ती हुए थे। तबीयत में सुधार होने के बाद शुभमन गिल अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और नेट्स पर अभ्यास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के मौजूदा संस्करण में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार शनिवार को 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर टूर्नामेंट का यह 2रा मैच होगा। इससे पहले उद्घाटन मैच में जेता इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। अब 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी। भारतीय टीम की बात करें तो उसने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया और दूसरे मैच में अफगानिस्तान को भी हरा दिया है। अगर टीम इंडिया अहमदाबाद में शनिवार को जीत जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में नहीं हारने का सिलसिला भी जारी रहेगा। भारत ने अब तक 7 बार विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान का आमना सामना किया है और हर बार उसे जीत ही मिली है। वहीं अगर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल के बल्ले की बात करें तो शुभमन गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। शुभमन गिल ने अहमदाबाद की 12 IPL पारियों में 669 रन बनाए हैं, जहां पर वो 2 बार नॉट आउट रहे और वहां पर हाईएस्ट स्कोर शुभमन गिल का 129 रन का है और शुभमन गिल का एवरेज 66.90 का है और स्ट्राइक रेट 159.28 का और वहां पर उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं। साथ ही साथ इन 12 मैचों में शुभमन गिल ने 25 छक्के और 60 चौके भी लगाए हैं। तो शुभमन गिल के खेलने से टीम इंडिया को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा तो मिल ही सकता है, लेकिन अभी ये संशय जरूर बना हुआ है कि शुभमन गिल और ईशान किशन में कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ हमको खेलते हुए नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले रोहित शर्मा की चुनौती सही प्लेइंग 11 चुनने की है। स्टार युवा ओपनर शुभमन गिल शुरुआती 2 मुकाबले नहीं खेल पाए थे। वह डेंगू से पीड़ित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से दूर रहे हैं। इस दौरान शुभमन गिल की प्लेटलेट्स में भी काफी कमी आ चुकी थी और उनको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ गया था। अब सेहत में सुधार के बाद वे चेन्नई के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ देर बल्लेबाजी में भी अभ्यास किया हुआ है। गिल को खेलने पर अभी भी संशय बरकरार है। अहमदाबाद में उनके रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो रोहित चाहेंगे कि वह इस मैच को जरूर खेलें। दूसरी, अगर वह पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाते तो भारतीय टीम प्रबंधन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। टूर्नामेंट में अभी काफी मैचेस खेलने जाने बाकी हैं और शुभमन गिल आगे आने वाले मैचेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ युवा प्लेयर के पूरी तरीके से फिट न होने पर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर ये बात करी जाए कि शार्दुल ठाकुर और आर अश्विन में से किसको मौका मिलेगा और क्या शार्दुल ठाकुर टीम से बाहर होंगे, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में खेलने वाले अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अफगानिस्तान के खिलाफ मौका नहीं मिला था। उन्होंने प्लेइंग 11 से उनको बाहर कर दिया गया था। अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया था और अश्विन को बाहर किए जाने पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी हैरान हो गए थे। शार्दुल ठाकुर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 ओवर में 31 रन देकर के 1 विकेट लिया था। वही अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर पूरे किए थे, उन्होंने 34 रन देकर के 1 विकेट अपने नाम किया था। अब देखना होगा कि अश्विन टीम में शामिल होते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर ही बने रहते हैं। साथ ही साथ एक ये भी खबर चल रही है कि सिराज की जगह
गए मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है। गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज भले ही दूसरे स्थान पर काबिज है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। वे काफी महंगे साबित हुए और सिराज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 9 ओवर में 76 रन लुटाए थे। कई क्रिकेट विशेषज्ञ का मानना है कि मोहम्मद शमी को विश्व कप में उनके शानदार रिकॉर्ड्स को देखते हुए प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए भी टीम में खेलते हैं और उनको यहाँ पर खेलने का भी काफी अनुभव है। आईपीएल में पिछले खेले गए सीजन में मैदान पर मोहम्मद शमी ने 9 मैच में 17 विकेट्स भी लिए हुए हैं। वहीं अगर टीम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने पिछले ही मैच में एक बड़ा बदलाव किया था। उसने अनुभवी ओपनर फखर जमान की जगह पर अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया था। शफीक ने श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर टीम को जीत भी दिलाई थी। बाबर आजम की फॉर्म टीम के लिए परेशानी का एक सबक जरूर बन सकती है। वह 2 मैचों में सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं। वहीं शाहीन अफरीदी भी गेंदबाजी में ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके हैं। टीम को उम्मीद होगी कि भारत के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी टीम में कोई भी प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करते हुए नजर आ रही होगी। तो आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो एज अ कैप्टन रोहित शर्मा हमको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ हमको ईशान किशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है शुभमन गिल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। और नंबर 3 पर हमको विराट कोहली, साथ ही साथ नंबर 4 पर हम केएल राहुल विकेट कीपर के रूप में, और नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तक हमने श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया, तो हम श्रेयस अय्यर की जगह पर नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार की पावर हिटिंग बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। तो हमारी टीम पर श्रेयस अय्यर की जगह पर हमको सूर्य कुमार यादव रखेंगे, और नंबर 7 पर आएंगे रविंद्र जडेजा, और नंबर 8 पर कुलदीप यादव, और नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, और नंबर 11 पर हमारी टीम पर होंगे मोहम्मद सिराज। अभी हम मोहम्मद शमी को मौका नहीं देंगे। मोहम्मद सिराज किसी भी मैच में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। वही अगर हम टीम पाकिस्तान की बात करें तो टीम पाकिस्तान में हमको अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम एज अ कैप्टन, मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि इस टीम में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।